हेलो फ्रेंड्स, ये क्लाउड कंप्यूटिंग पर फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी इंटरनेट से सर्वर्स को रेंट पे लेना, यानी मैं प्राइवेट क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक क्लाउड की बात कर रहा हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि IaaS, SaaS और PaaS इस टाइप की सर्विसेज मिलती हैं, तो उनके बेनिफिट्स क्या है इस वीडियो में हम देखेंगे। ये है इसके बेनिफिट्स, यहाँ मैंने लिस्ट बना रखी है, जैसे कि कॉस्ट, डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंसी, वर्चुअलाइजेशन, मल्टी टेनेंसी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर डिलीवरी। एक एक करके हम सारे बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉस्ट, अगर कोई कंपनी अपना ओन क्लाइंट सर्वर सेटअप चलाती है, उसका खुद का सर्वर है और सारे क्लाइंट मशीन उससे कनेक्टेड है, तो इसके सेटअप के लिए और मेंटेनेंस के लिए उसको कॉस्ट आएगा। जैसे कि ये हार्डवेयर है, ये सर्वर हर बार अप होना चाहिए, अगर ये सर्वर बंद हो जाएगा तो बिजनेस पे इफेक्ट होगा, तो इसको ये टेक केयर करना होगा कि ये सर्वर हमेशा चलता रहे। तो शायद सर्वर को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा या सर्वर को बदलना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, वो सॉफ्टवेयर के लाइसेंस की फ़ीस पे करनी होगी। ये सॉफ्टवेयर ख़रीदने का वन टाइम कॉस्ट भी हो सकता है, लाइसेंस फ़ीस भी हो सकती है। तो ये रिकरिंग कॉस्ट है कंपनी एक बिज़नेस के लिए, यानी IT इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना और यूज़ करना एक रिकरिंग कॉस्ट होता है कंपनी के लिए। और ये कॉस्ट के अलावा इनको इसका मैनेज करने का हेडेक भी लगा होता है। इनके लिए ये सारा सिस्टम मैनेज करने के लिए इनको कोई IT प्रोफेशनल को हायर करना होता है। छोटे बड़े जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो देखेगा, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा तो कोई एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है, और जब तक आके ये ठीक ना करें इनका काम रुका रहेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स कंपनीज को और बिजनेसेस में फेस किए जाते हैं। तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड से सर्वर लिया जाएगा, ये सर्वर क्लाउड से लिया जाएगा, तो ये क्लाइंट मशीन डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू क्लाउड में ये सर्वर को एक्सेस करेंगे और सॉफ्टवेयर वहाँ पर ही रन होगा, और सर्वर का मेंटेनेंस का हेडेक ख़त्म हो गया और कॉस्ट भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर भी जो होगा वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे है मिलते हैं रेंट पर मिलते हैं, मंथली नॉमिनल रेंट पे करना होता है, जो कि एक लाइसेंस की फ़ीस से बहुत ही कम होता है। और यहाँ तक कि क्लाइंट मशीन्स भी PCs की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टैब्स से भी काम चल जाएगा। तो ये बहुत ही कॉस्ट रिड्यूस कर देगा कोई एक बिज़नेस के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग इज कॉस्ट सेविंग। सेकंड, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। अगर सर्वर हमारा क्लाउड में होगा यानी इंटरनेट में होगा, तो हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस से और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कहेगी कि आप घर से ही काम करो। आजकल तो कुछ लोग करते हैं, वो बस क्लाउड बेस्ड होता है, बस VPN बेस्ड होता है, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है उससे, और क्लाउड बेस्ड अगर सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है तो इस तरह का हो सकता है कि वो एम्प्लॉयज़ को अपनी प्रीमिसेस में बुलाकर काम करवाने के बजाय घर से ही काम करने देती हैं। तो अपना सॉफ्टवेयर या अपना सर्वर कोई एक बिजनेसमैन कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, ये एडवांटेज है इंटरनेट के क्लाउड का। नेक्स्ट, अब जो क्लाउड कंपनीज है वो सर्वर रेंट पे कैसे दे रही है, तो एक्चुअली वो फिजिकल सर्वर रेंट पे नहीं दे रहे हैं, फिजिकल सर्वर नहीं दे रहे हैं, इसी के ऊपर वर्चुअल कई सारे सर्वर्स रन होते हैं। तो हमको ये सर्वर रेंट पे मिलता है, वर्चुअल सर्वर रेंट पे मिलता है। तो एक कंप्यूटर पर मल्टीपल कंप्यूटर्स कैसे बना सकते हैं, तो ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, इसको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहते हैं। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक हार्डवेयर पे रन किए जा सकते हैं, एक हार्डवेयर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने अपने एप्लीकेशंस रन हो सकते हैं। यानी अगर आप क्लाउड में कोई एक सर्वर लेंगे तो आपको ये मिलेगा इंस्टेंस, ये इंस्टेंस मिलेगा,
ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जिसके ऊपर आप अपने एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। अब अगर IaaS सर्विस की बात करेंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज़ कर सकते हैं, आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं, यानी हार्डवेयर दिया जाएगा, आप जो चाहेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको इंस्टेंस मिल जाएगा। तो ये फिज़िकल सर्वर नहीं होता है, वर्चुअल सर्वर होता है। तो इस तरह का वर्चुअल सर्वर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज है यूज़ होती है उसे हाइपरवाइज़र कहते हैं, और ये हाइपरवाइज़र फेमस हाइपरवाइज़र है VMware, सिट्रिक्स, विंडोज 2008। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास कई सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं और उनके अपने अपने वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, और होता यह है कि इनका सारे क्लाइंट्स का डेटा एक जगह स्टोर होता है और उसे स्टोरेज एरिया नेटवर्क, एक टेक्नोलॉजी है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इससे जो है एक बड़ा स्टोरेज बनाते हैं जिसमें सारे क्लाइंट्स का डेटा एक जगह स्टोर होगा। ये इसी तरह एक अपार्टमेंट में कई फ्लैट्स है, कई सारे लोग एक बिल्डिंग में रह रहे हैं और उसमें कई सारे फ्लैट्स हैं, तो ये मल्टी टेनेंसी जैसा हो गया, मल्टीपल टेनेंट्स, एक ही बिल्डिंग में कई सारे टेनेंट्स हैं, तो उसी तरह एक ही स्टोरेज एरिया नेटवर्क में कई सारे क्लाइंट्स का डेटा स्टोर्ड है और एक ही क्लाउड में कई सारे क्लाइंट्स के सर्वर्स रन हो रहे हैं। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी। क्लाउड होता है ग्रिड ऑफ डेटा सेंटर्स, तो अगर एक क्लाउड में एक डेटा सेंटर ईस्ट में है और एक डेटा सेंटर वेस्ट में है, तो अगर कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से सर्वर्स लेती है तो ये उसके प्राइमरी सर्वर यहाँ होंगे तो ये बैकअप का काम करेगा, अगर कोई यहाँ से सर्वर लेता है तो यानी इसका लोकेशन यहाँ पर है तो ये यहाँ से सर्वर मिलेगा उसको, तो ये प्राइमरी हो गया, ये बैकअप होगा। तो अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर भी होगा या अर्थक्वेक आएगा, ऐसा कुछ हो भी जाएगा, तो एक डेटा सेंटर जाएगा तो दूसरे डेटा सेंटर में तो डेटा रहेगा और एप्लीकेशन भी चलता रहेगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यानी क्लाउड सर्वर्स बहुत ही रिलायबल है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी। अगर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए जो जो मेजर्स ले सकती है क्लाउड में, उससे स्ट्रॉन्गर मेजर्स लिए जाते हैं तो डेटा बहुत ही सिक्योर होता है। लेकिन ये एक टॉपिक है, लोग अक्सर इसके बारे में सवाल करते हैं कि हमारा डेटा क्लाउड में रहेगा तो कैसा सिक्योरिटी कैसी होगी, तो चिंता करने लगते हैं। तो इसका आंसर, सिंपल आंसर एक ऐसा है कि आपका अकाउंट अगर स्विस बैंक में हो तो आपका बैलेंस कितना है वो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन स्विस बैंक को तो पता रहेगा। तो उसी तरह आपका डेटा अगर क्लाउड में है तो कोई आपके डेटा को एक्सेस बिल्कुल ही नहीं कर सकेगा, लेकिन जिसका क्लाउड है शायद वो कर सकता है। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, जब आप बैंक में आप अपना पैसा रखते हैं तो फिर ये तो डेटा है सिर्फ जो आप क्लाउड में रख सकते हैं, इतने सारे बेनिफिट्स है तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी की चिंता की ज़रूरत नहीं है, इन पर आपको ट्रस्ट करना होगा और अपना डेटा यहाँ रख सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है स्केलेबिलिटी या इलास्टिसिटी। कुछ बिजनेसेस में ऐसा होता है कि कुछ टाइम उनको एक ही सर्वर सफिशिएंट हो जाता है, और कभी उनका बिजनेस ग्रो होता है, यानी सीजनल बिजनेस होते हैं कुछ, जैसा कि अगर आप रेडीमेड गारमेंट का एग्जांपल लेंगे तो फेस्टिवल्स के टाइम पर बिजनेस ज़्यादा ग्रो होता है, तो जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है वो अपने नए आउटलेट्स भी ओपन करते हैं, टेम्प्रेरी आउटलेट्स भी ओपन करते हैं या सेल लगाते हैं, तो उस टाइम पर उनको ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने सर्वर्स क्लाउड में बढ़ा सकते हैं, और जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो सर्वर्स को घटाकर एक या दो सर्वर्स कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो कंप्यूटिंग पावर का जितना रिक्वायरमेंट है उसकी बिना पर आप नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ा और घटा सकते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। और जब सर्वर्स बढ़ जाएंगे या कम होंगे तो जितने भी सर्वर्स यूज़ करेंगे उस बिना पर बिलिंग होगी।
तो जब ज़्यादा यूसेज होगा तो बिल भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और ये सर्वर्स बढ़ाना इतना आसान है कि जस्ट आप अपने क्लाउड के अकाउंट में जाओ, उसमें सर्वर्स का नंबर इंक्रीस कर दो, बस सर्वर्स बढ़ गए। तो ये तो प्रैक्ट फिजिकली अगर देखेंगे तो इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास एक कंप्यूटर लगा है, आपको और 4 कंप्यूटर होना है, तो पहले तो आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, या मार्केट जाना पड़ेगा, खरीद कर लाना पड़ेगा, फिर इनको सेटअप करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे। तो सिर्फ क्लाउड में हम सर्वर्स जब लेंगे तो काउंटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बराबर होगा सिर्फ ये। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सर्विस है, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। और नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि इन सर्वर्स का जो मेंटेनेंस का जो बर्डन होता है कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सारा बर्डन अब चला जाएगा क्लाउड के पास, क्लाउड प्रोवाइडर के पास। तो अक्सर छोटे बड़े बिजनेसेस के लिए नेटवर्क टेक्नीशियन या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स ऐसे लोगों की ज़रूरत इनको पड़ती रहती है। अब ये ज़रूरत इनको नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा काम ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर लेगा, मेंटेनेंस से, क्योंकि सर्वर्स उसके पास है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर डिलीवरी की बात करेंगे। अगर हम वेबसाइट्स की बात करेंगे तो वेबसाइट्स जो होती हैं वो हम ब्राउज़र में एक्सेस करते हैं, और ये जो पेजेस जो आते हैं वो सर्वर से, इंटरनेट से आकर हमारे ब्राउज़र में ओपन होते हैं। तो ये वेबसाइट का पेज हमारे कंप्यूटर में नहीं होता है, इंटरनेट से आता है और हमारे ब्राउज़र में ओपन होता है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, जैसे कि एमएस वर्ड, ये हमको डीवीडी या सीडी से हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना होता है, तभी ये हमारे कंप्यूटर पे अवेलेबल होगा। बिना इंस्टॉल किए हम इसको नहीं रन कर सकते, तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्लाउड में सॉफ्टवेयर ब्राउज़र में ही ओपन होगा, यानी जिस तरह पेजेस इंटरनेट में सर्वर से आते हैं और ब्राउज़र में ओपन होते हैं, अब सॉफ्टवेयर आएगा इंटरनेट से और ब्राउज़र में ओपन होगा। यानी ये सॉफ्टवेयर क्लाउड से आएगा और ब्राउज़र में ओपन होगा। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये एमएस वर्ड है ये, और ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर है। यहाँ मैंने यूआरएल लिख रखा है, office.microsoft.com। अगर आप ये वेबसाइट पर जाएंगे, ये Office 365 वेबसाइट है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे Office 365 तो आपको मिल जाएगा। इस पर आपको एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो कि फ्रीली अवेलेबल है। तो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट ब्राउज़र ओपन करिए और यूआरएल टाइप करिए और सॉफ्टवेयर आपके ब्राउज़र में रन होगा। यहाँ पर आप सारा काम कर सकते हैं, जो भी आप वर्क सेव करेंगे ये फिर क्लाउड में सेफ हो जाएगा। तो ये तो पर्सनल यूज़ के लिए सॉफ्टवेयर हो गया। इसी तरह बिजनेस यूज़ के लिए जो ईआरपी होते हैं वो सॉफ्टवेयर भी अब ब्राउज़र में ही ओपन होते हैं। तो इसको कहेंगे सॉफ्टवेयर डिलीवरी, यानी सॉफ्टवेयर आपके पास है नहीं, ये क्लाउड से इंटरनेट वाया इंटरनेट डिलीवर किया जा रहा है आपके ब्राउज़र में। और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके कंप्यूटर में अब हार्ड डिस्क की ज़रूरत नहीं रही। सिर्फ आपका स्मॉल साइज डेटा सेव करके रखने के लिए आपको कुछ मेमोरी चाहिए, कुछ GBs की मेमोरी चाहिए। उसके लिए आपको पीसी की ज़रूरत नहीं है, टैब से भी काम चल जाएगा। तो अगर आप आईपैड है और गैलेक्सी टैब्स और दूसरे भी कंपनीज के टैब्स है, अगर उसमें आप देखेंगे तो इस तरह का सॉफ्टवेयर आप उसके ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। तो ये है एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्लाउड कंप्यूटिंग के। सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द वीडियोस थरोली। आई हैव मेड टोटल 4 वीडियोस ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। प्लीज़ वॉच ऑल ऑफ देम इन सीक्वेंस वन बाय वन। यू मे गेट अ कंप्लीट और क्लियर आइडिया अबाउट एवरीथिंग अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। दिस आर ऑल जस्ट बेसिक्स आई हैव कवर्ड। I have not covered the technologies in detail.
So for learning what we are supposed to do in cloud computing, what we should learn and all, that is a different topic. This is just what is cloud computing I have covered. Hope these videos are useful for you because these are in our national language or our mother tongue. So please leave your comments and share these videos. Thank you for watching.